तो वो सौदागर बच्चा जो है जब गया तो वहां पे देखा कि उस सौदागर के दो तरफ, एक तरफ जो है एक कैद खाना है जिसमें दो आदमी कैद है। अंधा हो गया वो, उनकी मजनू की सी सूरत हो रही है, चर्म मस्तका बाकी है और सर के बाल और नाखून भर गए, और जो आदमी जो कैद है उसका बाल वगैरह जो है बहुत यहाँ तक बढ़ गया और नाखून वगैरह बहुत बढ़ गया है, लगता है कि बहुत दिनों से वो जो है साफ सुथरा नहीं हुए। सर औंधे हुए बैठे हैं और दो हफ्सी बदहियत मसले दो तना दो तरफ खड़े हैं और उस पंजरे की कैद के लिए दो आदमी वहां पे खड़े हैं। सौदागर बच्चे को अचंभा, बहुत ही ताज्जुब इस बात से कि दो आदमी कैद, वो भी ला हवाला पढ़कर दूसरी तरफ जो देखा तो एक दुकान में काले चे दिखे, ला हवाला वला कुव्वता इल्ला बिललील अजीम है ना, ये कलमा पढ़कर जो है वो एक दुकान की तरफ दूसरी दुकान की तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि एक मखमल की सी चादर बिछा हुआ है काली सी, उन पर एक चौकी, उस मखमल की चादर पर क्या है, एक चौकी है और उस पर गदेला मखमल का पड़ा हुआ, फिर हाथी की दांत की, और वो चौकी किससे बनी है, हाथी के दांत से बनी उस चौकी कितनी मजबूत होगी, और गदेला मखमल उस पर, उस चौकी में भी मखमल का चादर, एक कुत्ता जवाहिर का पट्टा गले में और सोने की जंजीर से बंधा हुआ बैठा देखता है, एक फर्श है, एक फर्श पर हाथी के दांत की बना हुआ चौकी है, चौकी के ऊपर एक फर्श है, एक फर्श के ऊपर एक कुत्ता है जिसका जंजीर जो है वो सोने से बना हुआ है और जिसके पट्टे में लाल वगैरह है सोने वगैरह से घिरे हुए हैं, और दो गुलाम अमृत खूबसूरत उसकी खिदमत कर रहे हैं, उस कुत्ते की खिदमत कर रहा है, और एक तरफ देखा तो दो आदमी पंजरे में कैद है जिसकी हालत जो है बदनुमा वालों में है ना, एक तो मोरछल और जराव दस्ते का लिए झंडा है और दूसरा रुमाल तार घसी का हाथ में लेकर मुंह और पाव उसका पूछ रहा है। दो आदमी, एक आदमी कुत्ते की देखभाल करते हैं और दूसरा आदमी क्या करता है, कभी कभार रुमाल वगैरह से कुत्ते का मुंह वगैरह जो है पूछता है रुमाल से, है ना, एक आदमी। सौदागर बच्चे ने खूब गौर करके देखा तो पट्टे में कुत्ते के 12 दाने लाल के जैसे सुने थे मौजूद है। जब वो सौदागर बच्चा देखा कि सच में एक कुत्ता है तो लाल गिन के देखे कि सच में कितने लाल है, 12 लाल है, जिसके उसने बाप ने बादशाह के सामने जिक्र किया था। शुक्र खुदा का क्या, खुदा का बहुत शुक्र किया कि यही वो कुत्ता है, और फिक्र में गया कि किस सूरत से इन लालों को बादशाह पास से ले जाऊं और दिखाकर अपने बाप को छुड़ाऊं। अब तो शुक्र खुदा का कर लिया, अब उसके दिमाग में ये सवाल आया कि किस तरह मैं इस कुत्ते को उस दरबार उस बादशाह के पास लेके जाऊं, आजा बादशाह के पास लेके जाऊं, अपने बाप की बात को साबित करूं। ये तो उसमें हैरानी था और तमाम खलक चौक और रास्ते की उसका हुस्न जमाल देखकर हैरान थी और हक्का बक्का हो गया। वो अजीब जाति जिसका नाम वो क्या रखा था अपने नाम, सौदागर बच्चा, सौदागर बच्चा इस बात से परेशान थी कि वो किस तरह जो है उस लाल को अपना मुल्क लेके जाएंगे, और पूरे चौक बाजार के लोग इस बात से हैरान थे कि ये हसीन लड़का कहां से आ गया, ये हुस्न जमाल वाला लड़का कहां से आ गया, सब कोई क्या सोच रहे हैं ये लड़का है, लेकिन असल में वो क्या थी, लड़की थी, और बहुत हुस्न जमाल, बहुत ही खूबसूरत, सब पे हक्का बक्का हो रहा था इस बात का, सब आदमी आपस में चर्चा ये करते थे कि आज तक इस सूरत और सेवा का इंसान नजर ना आए, सब इंसान चौक बाजार में इसी बात पर हैरान थे कि आज तक ऐसे खूबसूरत इंसान हमने देखे, तो ये इंसान आया तो आया कहां से, इसने इस खाजा ने भी देखा और वो सौदागर जिस जो कुत्ते का मालिक था वो भी देखा, एक गुलाम को भेजा कि तू जाकर बमिन्नत उस सौदागर बच्चे को मेरे पास बुला, अब वो सौदागर खुद बुला रहे हैं इसको, वजीर जाती को सौदागर बच्चा को खुद बुला रहे हैं कि जाओ ए वजीर, उसके नौकर को बोलता है कि वो हसीन वो जमाल लड़का जो है सौदागर बच्चा उसको मेरे पास बुला लाओ। वो गुलाम आया और खाजा का पैगाम लाया कि अगर मेहरबानी फरमाए तो हमारा खुदावंद साहब का मुस्ताक है, मुस्ताक जानते हो, मुस्ताक मतलब किसी चीज का शौक, इश्तियाक होना, इश्तियाक उसको कहते हैं, किसी चीज का जब शौक रहता है, इश्तियाक रहता है, जब किसी चीज को चाहते हो तो उसको मुस्ताक कहते हैं। तब वो वजीर आया और सौदागर बच्चे को बोला,
14 बच्चे को बोला, क्या बोला कि आपको मेरे हमारे साहब ने बुलवाया है अपने पास, चलकर मुलाकात कीजिए, चलकर किसे मुलाकात कीजिए, वो खाजा से मुलाकात कीजिए। इस लाइन को जरूर अंडरलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहां से करोगे? अगर मेहरबानी फरमाए तो हमारा खुदावन साहब का मुस्ताक है, चलकर मुलाकात कीजिए। सवाल है क्या जुमला कहां से रह गया है? जवाब क्या देना है? अगर मेहरबानी फरमाए तो हमारा खुदावन साहब मुस्ताक है, इस जुमले में मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम सौदागर बच्चा है। वजी जाती नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सौदागर बच्चा बोलना है। मुखातिब कौन है? जो ये वजीर जिसको भेजा, खाजा की खाजा का वजीर, और मुखातिब है कौन? वजीर जाते या सौदागर बच्चा? सौदागर बच्चा यहाँ पे मुखातिब है, क्योंकि वो सुन रही है ना ये बोली। अब सवाल आ गया यहाँ पे कि इस जुमले में मुसन्निफ क्या कहना चाहता है। तो इस जुमले में जो है, जब सौदागर बच्चा निशापुर, वजीर जाति की बेटी सौदागर बच्चा बनकर निशापुर जाती है, तो शहर की तरफ जब निकली तब एक चौक में वो एक कुत्ते के गले में बारा डाल देकर जो हैरान हो जाती है, तभी उस कुत्ते का मालिक खाजा जो है अपने वजीर जो है उस वजीर जाति की उस सौदागर बच्चे की खूबसूरती को देखकर वजीर के जरिए जो उसको अपने पास बुलवाते हैं। सौदागर बच्चा तो चाहता ही था, यही चाहता था कि मैं उसके पास जाऊँ। बोला क्या मजा आएगा जो नहीं खाजा के नजदीक आया और इस पर खाजा की नजर पड़ी एक बरछी इसकी सीने में। जैसे ही वो हसीन लड़का को वो देखा, मतलब लड़की को वो देखा, तो वो जो है बहुत हंसी, वो बहुत ही हैरान हो गया। तादिब की खातिर सर वो कद उठा, लेकिन हवास बाफ्ता सौदागर बच्चे ने दरिया किया कि अब ये दाम में आया। आपस में बगलगीर हुई, खाजा ने सौदागर बच्चे की पेशानी को चूमा और अपने बराबर बैठाया। जब आया करीब आए बगल में आए, बगलगीर मतलब करीब आना, जब करीब आए तो उस खाजा ने लड़का समझकर उसकी पेशानी को चूमा और अपने बराबर बैठाया। बहुत सा तमल्लुक करके पूछा कि अपने नाम और नसब से मुझे आगाह कर। बहुत सारे बातें होकर जो है उसको पूछते हैं खाजा वो सौदागर बच्चा को कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम से मुझे आगाह करो, कहाँ से आना हुआ और कहाँ का इरादा है, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, कहाँ इरादा रखे हो जाने का, यह बता। सौदागर बच्चा बोला कि इस कमतरीन का वतन रूम है और कदीम से इस्तांबुल जा बोम है। बोला कि मेरा घर जो है रूम है और मैं इस्तांबुल जाना चाहता हूँ, इस्तांबुल भी एक जगह है, वहाँ वो जाना चाहते हैं, ऐसे बोल रही है। मेरे किबला का सौदागर है। अब सौदागर बच्चा झूठ बोल रहे हैं, क्या बोला है कि मेरे जो पापा है, मेरे वालिद है, वो क्या है, एक सौदागर, एक ताजिर है, वो बुरा हो गया वो और मुझे उसने तिजारत करने के लिए भेजा है। अब देखो, अब बस वह पीली के ताकत वो सिर सफर की ना रही। मेरे वालिद साहब बुरा हो चुका है, पीली हो चुका है, पीली मतलब बुरा हो जाना, पीली हो गया है और मेरे वालिद के अंदर ताकत नहीं कि वो इधर उधर सफर कर सके, तिजारत कर सके। इस वास्ते मुझे रुख्सत किया कि कारोबार और तिजारत का सीखूँ, मैं कारोबार और तिजारत सीख सकूँ, इसलिए मेरे वालिद साहब ने मुझे तिजारत करने के लिए भेजा है। आज तक मैंने कदम घर से बाहर ना निकाला था, लेकिन आज निकालना पड़ा क्योंकि मेरे बाप बहुत जेई हो चुके हैं, उसकी वजह से ये पहला ही सफर दरपेश हुआ। आज जो यहाँ पे आए हूँ मैं, पहला मेरा ये दरपेश है, सफर है। दरिया की राह के हवा ना पड़ा, खुशकी तरफ से कसरत किया, लेकिन इस अजम के मुल्क में आपके अखलाक और खूबियों का जो शोर है, महज साहब की मुलाकात की आज जो मैं यहाँ तक आया हूँ। अब क्या बोल रहे थे वो, ये वजी जाने क्या बोल रही है? बोला कि जब मैं इस शहर में आया तो आपके बारे में बहुत सुना मैं, आप इस शहर में बहुत ही मशहूर है, तो आपसे मैं मुलाकात करने के लिए यहाँ आया हूँ। कौन बोल रहा है? वो सौदागर बच्चा बोल रहा है, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, आपके मैं बहुत ही जोरों शोर सुना हूँ, आप बहुत मशहूर है इस इलाके में। बारह फजल इलाही से खिदमत शरीफ में मुशर्रफ हुआ और इससे ज्यादा पाया तमन्ना दिल की बराई, खुदा सलामत रखे, अब यहाँ से कुछ करूँगा। बोला आपको खुदा सलामत रखे और मैं यहाँ से जाती हूँ, जाता हूँ, बोला है जाती हूँ, बोला है जाता हूँ, बोला है ना। ये सुनते ही खाजा के अकल वो होश जाते रहे। जैसे ही वो सौदागर बच्चा बोला कि मैं घर जा रही हूँ, वापस जा रहा हूँ, तो वो सौदागर जो है, सौदागर जो वो खाजा जो है, हैरान हो जाते हैं। बोला ए परजन, परजन मतलब बेटा, ए बेटा ऐसी बात मुझे ना सुनाओ, कोई दिन गरीब खाने में करम फरमाओ, भला ये तो बताओ कि तुम्हारा अजबा और नौकर चाकर कहाँ है।
अल्पा को नौकर चाकर को छोड़ के आए थे, सिर्फ अकेले शहर की तरफ निकले थे, है ना। सरदार बच्चे ने कहा कि मुसाफिर का घर सरा है, इन्हें वहां छोड़कर मैं आपके पास आया हूं। बोला क्या, मैं अपने नौकर चाकर जितने असबाब सफर है सभी चीज को एक जगह ठहरा के आया हूँ और सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आया हूँ। और वो ख्वाजा बोलता है कि आज किसी ना किसी दिन तो मुझे अपने कुछ आप पर कुछ काम करने दो, मतलब तुम्हारी खिदमत करने दो, कुछ एक दिन तो हमारे घर रह जाओ कम से कम। वो ख्वाजा बोलते हैं, ख्वाजा ने कहा कि भट्टियार खाने में रहना मुनासिब नहीं, मेरा इस शहर में एतबार है और बड़ा नाम है, जल्द इन्हें बुलवा लो। बोले जाओ अपने नौकर चाकर को सब बुला लो, मेरे घर में आओ सब कोई, मैं एक मकान तुम्हारे असबाब के लिए खाली कर देता हूँ, तुम्हारे रहने के लिए मैं एक मकान खाली कर देता हूँ, तुम लोग उस खाली मकान में रहना, जो कुछ जिस लाए हो, जिस मतलब कपड़े हो गया, मैं देखूं ऐसी तदबीर करूंगा कि यहाँ तुम्हें बहुत सा मुनाफा मिले, ऐसे मैं तुम्हारा बिजनेस चलाऊंगा, तिजारत का वो जो सामान है वो ये करूंगा कि तुम्हारी बिजनेस बहुत चले, मुनाफा हो, तुम भी खुश होंगे और सफर के हर मज से बचोगे और मुझे भी चंद रोज रहने से अपना एहसान मंद करोगे। सरदार बच्चे ने ऊपरी दिल से अजर किया, ऊपरी दिल जानते ना, अत्यादर, हम लोग अत्यादर कहते हैं, अत्यादर से अजर किया, लेकिन खाजा ने पजीर ना किया, खाजा नहीं माना, खाजा बोल ये बोला ही कि हमको तुमको रहना ही पड़ेगा, और ये खाजा का बच्चा अत्यादर बोला था, मजा क्या था, ऊपरी दिल से बोला था कि मैं चले जाऊंगा, और अपने गुमास्ते को फरमाया कि बारे बिरादर जल्द भेजो और कारवा सद से उनका अजबा मंगवाकर फलाने मकान में रखवाओ। तब जो वजीर सौदा का बच्चा क्या करते हैं, अपने नौकरों को अपने साथ सामान लाए हुए जितने थे वो खाजा के दरबार में रख देते हैं, किसी एक खाली मकान में वो लोग ठहर जाते हैं। सरदार बच्चे ने एक जंगी गुलाम को उनके साथ कर दिया कि सब मालो मता लदवा कर ले आ और आप शाम तक खाजा के साथ बैठा रहा, और कुछ दिन कुछ वक्त तक जो है वो खाजा तक बैठे रहे। तब तक क्या किया, उसके नौकर चाकर रहे, तमाम मालो मता दौलत जितने सारे सामान लेके आए थे वो सभी खाजा के दरबार में हाजिर कर दिया। जब गुजरी का वक्त हो चुका और दुकान भराई, खाजा घर को चला, दुकान वगैरह जब बंद हो गया, शहर बाजार बंद हो गए, तो खाजा अपने घर को ले गए गए। तब दोनों गुलामों में से एक ने कुत्ते को बगल में लिया और दूसरे ने कुर्सी और कालीचा उठा लिया, और उन दोनों हफ्ती गुलामों ने उस पंजीरों को मजदूरों के सर पर धरा दिया और आप पांचों हथियार पहने साथ हुए खाजा सौदागर बच्चे का हाथ में लिए बातें करता हुआ हवेली में आया। सौदागर बच्चा का हाथ में लिए हुए खाजा जो है उसको दरबार में लेके गया, और वो पंजीरा जिसमें दो आदमी कैद था वो उस पंजीरे को भी लेके गया, और जो कुत्ता था जो एक मखमल की चादर में बैठा हुआ था उसको भी लेके चला। सरदार बच्चे ने देखा कि मकान आलीशान है, किसका, खाजा का, नीतापुर के खाजा का, नीतापुर जगह उसका, खाजा कहाँ का है, नीतापुर का है, लाए के बादशाह हो ऐसा मकान जैसे जिसका हो किसी बादशाह का हो, या अमीरों का है या अमीर इंसान का ही हो सकता है ऐसा। लम नहर फर्श चांदनी का विशाल है, उसका जो घर वगैरह मकाना वगैरह फर्श चांदनी जैसे चमकीला, और मसंद रूबरू अजबाब ऐस का चुना है, कुत्ते की संदली भी उसी जगह बिछाई, और खाजा सौदागर बच्चे को लेकर बैठा, बेतकल्लुक तवाजा शराब की। जब जैसे ही बैठा खाजा ने सौदागर बच्चे को शराब की, शराब के बारे में पूछते हैं कि शराब पियेंगे, तभी कहते हैं दोनों पीने लगे, दोनों शराब भी पी लिया। जब सरखुश हुए तब खाजा ने खाना मंगा, खाना भी मंगवाया, उसी दस्तरखान बिछाया और दुनिया की नियामत चुनी गई, दुनिया की नियामत मतलब जो जो उसको पसंद की खाने की चीजें थी वो दस्तरखान में लेके आया गया। पहले एक लंगड़ी में खाना लेकर सरपोश तलाई ढाप कर कुत्ते के वास्ते ले गए, और एक दस्तरखान जले वक्त का बिछा कर उसके आगे धरा। सबसे पहले क्या किया, उस कुत्ते को खाना खिला रहा है, वो भी दस्तरखान बिछा कर कुत्ते के आगे दस्तरखान बिछा दिया, और उसके ऊपर जो है उसको अलग अलग तरीके दुनिया की नियामत खानों में से चुनकर उसको ले जो है सामान लेके गई। कुत्ता संदली से नीचे उतर जितना चाहा उतना खाया और सोने की लगन में पानी गया। लगन जानते हो ना, लगन हम लोग लगन कहते हैं, वो बर्तन जो है वो किससे बना हुआ है, सोने का, कासा का नहीं, लगन सोने का बना है, लगन सोने का बना हुआ है, उस लगन में कुत्ता पानी पिया। अब तो वो क्या करेगा, अब जो करेगा सौदागर का बच्चे को पसंद नहीं आएगा। सोने के लगन में पानी पिया, फिर चौकी पर जा बैठा, गुलाम ने रुमाल से हाथ मुंह उसका पाक किया। गुलाम ने क्या किया, उस कुत्ते का मुंह वगैरह साफ किया, फिर उस
इस तबाक और लगन को गुलाम पंजरे के नजदीक ले गए और खाजा से कुंजी मांगकर कपले कफ का फल। अब जो बचा हुआ खाना था और जो बचे हुए पानी थे, उस पानी को और बचे हुए खाने को कुत्ते का झूठा खाना वो पंजीरे के पास लेगा, जिस पंजीरे में दो आदमी कैद थे उसके पास ले गया और वो कैद खाने में लॉक क्या हुआ था, कफल, कफल मतलब लॉक लगा हुआ था, है ना। उस चाबी, वो चाबी किसके पास था, खाजा के पास था। वजीरों ने कुंजी मांगा, कुंजी मतलब चाबी, कुंजी मंगाया और उस कफल को खोला। उन दोनों इंसानों को बाहर निकालकर कई सूटे मारकर कुत्ते का झोटा इन्हें खिलाया, कई पहले पीटा एक बार, बहुत बार उसको पीटा मारा अलग अलग तरीके से। इसके बाद जो झूठा खाना था कुत्ते का वो उसको खिलाया और वही पानी पिलाया, वही पानी, कौन सा पानी, कुत्ता ने झूठा करके रखा। फिर ताला बंद कर ताला खाजा के हवाले, जो चाबी थी उसके हवाले कर दिया, फिर पंजीरे में उस दो आदमी को कैद कर दिया। और ये सारा तमाशा कौन देख रहे थे, अभी वो सौदा का बच्चा। अब इसको हैरान होगा, देखो क्या बोल रही है। जब ये सब हो चुका तब खाजा ने आप खाना शुरू किया, अपने आप शुरू करेगा खाना। सौदा के बच्चे को ये हरकत पसंद नहीं आई, ये हरकत क्या, वो कुत्ते को खाना खिलाया, सोने के लिए पानी पिलाया, फिर उस झूठे खाने को दो पंजीरे जो आदमी था वो कैद आदमी उसको खिलाया, ये हरकत उसको पसंद नहीं आया। किसको, सौदा के बच्चे को। घिन खाकर हाथ खाने में ना डाला, जैसे ही खाना सामने ले गया वो खाना नहीं चाहा। हरचंद खाजा ने मिन्नत की पर उसने इनकार ही किया। खाजा ने बहुत मिन्नत की कि खा लीजिए खाना, बहुत जबरदस्ती किया लेकिन वो इनकार कर दिया। तब खाजा ने सबक पूछा, वजह पूछा कि तुम क्यों खाना नहीं खाना चाहते हो, उसका कि तुम क्यों नहीं खाते। सौदागर बच्चे ने कहा, ये हरकत तुम्हारी अपनी तय बदनामा मालूम है। क्या क्या कहा खाजा, सौदागर बच्चे ने कि यह हरकत तुम्हारी क्या, मुझे बदनामा मालूम है, मुझे खराब मालूम होती है ये हरकत। कौन सी हरकत, कुत्ते का झूठा खाना तुमने दो इंसान को खिलाया, तुम इंसान हो या हैवान हो, ऐसे पूछते। इसको अंडरलाइन करोगे, सवाल इसका अंडरलाइन करो, किसमें, ये हरकत तुम्हारी अपनी तय बदनामा मालूम है। इस जुमला में मुतकल्लिम कौन है, मुतकल्लिम सदर बच्चा है और मुखातिब निशापुर का खाजा, निशापुर का ताजी जो है खाजा, वो यहाँ पे क्या है, मुखातिब है। खाजा सदर बच्चे ने अपनी तय क्यों बदनामा मालूम है ये बात का, क्योंकि जब सौदागर बच्चा को खाजा अपने दरबार में लेके गए तो खाजा ने कुत्ते का झूठा खाना जो है दो इंसान जो आदमी कैद थे वो उसको खिलाया, ये हरकत जो है सौदागर बच्चे को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने क्या कही थी कि ये हरकत तुम्हारी अपने तय बदनामा मालूम हुई। इसलिए कि इंसान असफल मखलूकात है, इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा हैवानों में से हैवान है, और कुत्ता नजसुल ऐन है, कुत्ता को इंसान, कुत्ता का और इंसान का हरकत जो इज्जत है गुलाम है वो बहुत ही एक दूसरे से अलग है। बस खुदा के दो बंदों को कुत्ते का झूठा खिलाना किस मजहब और मिलत में रहा हुआ है, किस मजहब में ये बात कहा गया कि इंसान का कुत्ता का झूठा खाना जो इंसान को खिलाना चाहिए, ये बताओ मुझे। फक्त ये गनीमत नहीं जानते कि वो तुम्हारे कैदी है, नहीं तो तुम और वो बराबर है। सिर्फ ये इस बात का फर्क ये है कि वो कैदी है और तुम रिहा हो, तुम आजाद हो, नहीं तो उसमें और तुम में क्या फर्क है, तुम भी एक इंसान हो और जो आदमी कैद है वो भी इंसान है। अब मेरे तय शक आई कि तुम क्या मुसलमान नहीं, अब मुझे शक हो रहा है कि तुम शायद मुसलमान नहीं है। कौन बोल रहा है, सदा का बच्चा बोल रहा है, किसको, उस खाजा को, कि तुम शायद मुसलमान नहीं हो, क्या जानोगे कौन हो कि कुत्ते को पूजते हो, कैसा इंसान हो तुम, एक कुत्ते की इबादत करते हो, कुत्ते को पूजते हो, मुझे तुम्हारा खाना खाना मकरो है, मकरो मतलब मना, जिस चीज को मना किया जाए मना है, जब तक ये सवाल दिल से दूर ना, जब तक ये दिल में रहेगा कि तुम कुत्ते को पूछते हो, इंसान से ऐसे हरकत करते हो, तुम्हारे खाना को मैं हाथ भी ना लगाऊंगा। खाजा ने कहा, ए बाबा जो कुछ तू कहता है मैं ये सब समझता हूँ, तू जो कहता है कुत्ते को पूछते हैं, इसके बाद इंसान को ऐसे रखते हरकत करते हैं, इसी खातिर बदनामा मालूम हो कि इस शहर की खलकत ने मेरा नाम खाजा सरपरस्त रखा है। और उस खाजा का नाम क्या रखा है, खाजा सरपरस्त। शहर वाले इसको किस नाम से याद करते हैं, खाजा सरपरस्त। सग मतलब होता है कुत्ता और परस मतलब पालने वाला, कुत्ता पालने वाला खाजा, इसलिए शहर के लोग उसका नाम क्या रखे हैं, खाजा सरपरस्त, मतलब कुत्ता पालने वाला खाजा। उसी तरह पुकारते हैं और मशहूर क्या है,
बोला कि ये बात मैं भी जानता हूँ कि मैं कुत्ते को पूछता हूँ, इसलिए शहर वाले ने मेरा नाम ही बदल दिया, मेरा नाम रखा ख्वाजा सरफरस, कुत्ते को पालने वाला ख्वाजा। लेकिन खुदा की लानत काफिरों और मुस्किरों पर हो जो कलमा पढ़ा और सदा के बच्चे की खातिर जमा की। तब सदा के बच्चे ने पूछा कि अगर मुसलमान बादिल हो तो इसका बास क्या है, अगर तुम सच में मुसलमान हो तो इसका क्या हकीकत है, ऐसी हरकत करके तुम अपने तय बदनाम क्या। ख्वाजा ने कहा, ए फर्जंद, मेरा नाम मेरा बदनाम है और दोगुना महसूल इस शहर में भरता हूँ, उसी वास्ते कि ये भेद किसी पर जाहिर ना हो। अजब ये माजरा है कि जो कोई सुने सिवाय गम और गुस्से के इसे कुछ और हासिल ना हो। तू भी मुझे माफ रख कर ना मुझ में कुदरत कहने की और ना मुझ में ताकत सुनने की रहेगी। अब वो सदा का बच्चा बोला कि जब तुम इस तरह करते ही हो, जब तुम मुसलमान ही हो तो इस तरह कुत्ते को ऐसा क्यों रखते हो, इस तरह इंसान के साथ क्यों ऐसा हरकत करते हो। तब वो ख्वाजा पूछते हैं कि ए मेरे बच्चा, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ, मुझे कुछ परेशानी है और इस बात को मैं अगर तुमको सुनाऊँ तो ना मुझ में सुनाने की ताकत है और ना तुमको सुनने की ताकत रहेगी। यानी मेरा जो कहानी है कि मैं क्यों कुत्ते को ऐसे रखा हो और क्यों इस दो आदमी को पंजे में रखा हो, ये कहानी मेरे सुनाने की बस में नहीं है और तुमको सुनना, तुम इस कहानी को सुन भी नहीं पाओ कि क्यों मैं इस तरह के हरकत करता हूँ। ठीक है, बस ये तक रखो। थोड़ा ही है, कितना है, चलो पढ़ते हैं। तो क्या बोला वो ख्वाजा कि मुझे माफ कर दो, मैं ये कहानी तुमको ना सुना सकता हूँ और ना तुम ये कहानी सुन सकते हो कि मैं क्यों इस तरह कुत्तों को पूछता हूँ और इंसान से ऐसा हरकत करता हूँ। सदा का बच्चे ने अपने दिल में गौर की कि मुझे अपने काम से काम, मैं तो कुत्ते को ले जा रहा हूँ, इसकी कहानी सुनकर मेरा क्या होगा, है ना, क्या जरूर है जो नाहक में ज्यादा मजूर हूं। बोला, खैर अगर लायक कहने के नहीं तो ना कहे, अगर कहने का लायक है तो कह दो, अगर लायक कहने का नहीं है तो मत कहो। खाने में हाथ डाला और नेवाला उठाकर खाने लगा। अब सदागर बच्चा ये सोचा जब कि मैं तो अपने काम से काम लेना है मुझे, मुझे इसकी कहानी सुनकर क्या होगा कि कुत्ते को क्यों ऐसे करता है, इंसान को क्यों ऐसे पूछता है, मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो कुत्ते को लेने आया हूँ। तभी जो है खाना में हाथ डाल देते हैं। दो महीने तक इस होशियार अकलमंदी से सरदार बच्चे ने ख्वाजा के साथ गुजारा, उनकी कसम पर हरगिज ना खुला कि यह औरत है। दो महीने गुजार दिए वक्त उस ख्वाजा के साथ, वो लेकिन तब भी ये बहन अभी तक ना खुली कि यह औरत है, ये लड़की है। दो महीने उसके साथ रह गया, सब यही जानते थे कि मर्द है, और ख्वाजा से रोज बरोज ऐसी मोहब्बत ज्यादा हुई कि एकदम अपने आंखों से जुदा ना हो। इस दो महीने में उस ख्वाजा को इतनी उस सौदागर बच्चे से मोहब्बत हुआ कि वो सौदागर उस बच्चे से एकदम भी उसको जो है नजर के सामने नहीं रख पाता, हमेशा वो नजर के सामने उसको रखा करता था, और ये पल के लिए भी अगर उसके नजर से वो गायब हो जाता था तो बहुत ही हैरान हो जाता था कि वो सौदागर बच्चा क्या होता है, कहाँ है, ढूंढते रहता था उसको। इस दो महीने में सौदागर बच्चा और उस ख्वाजा के दरमियान बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई। ठीक है, पेज नंबर 12 आपको ऊपर कर देंगे, सफा नंबर 12 12 सबसे ऊपर देखिए। ठीक है, एक दिन ऐन में मैं रोशी की सोबत में अगर सदागर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, इस तरह सदागर बच्चा उस ख्वाजा के साथ लगभग दो महीने गुजार दिए, है ना। गुजारने के बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसा क्या हुआ कि सदागर बच्चा जो है एक दिन ऐन वक्त, मतलब एकदम ठीक समय पे ठीक वक्त में क्या किया, सदागर बच्चा रोना शुरू कर दिया, बहाना बनाता है क्या घर आने का, है ना। ख्वाजा ने देखते ही खातिरदारी की और रुमाल से आंसू पूंछने लगा और सब गुड़िया का पूछा। गुड़िया मतलब होता है रोना धोना, रोना धोने का जो वजह पूछता है कि तुम क्यों रोए, है ना। सदा बच्चे ने कहा, ए किबला, क्या कहूं, काश के तुम्हारी खिदमत में बंदगी पैदा ना की होती और ना शफकत। जब सदा का बच्चा को ख्वाजा ने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, तो सदा का बच्चे ने क्या कहा कि ए ख्वाजा, मैं आपको इसकी जवाब क्या बताऊं, आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि आपको छोड़कर और नहीं रह पाते हैं, जो शायद मेरे हक में करते हैं ना करे, अब दो मुश्किलें मेरे पेश आई, ना तुम्हारी खिदमत से जुदा होने को जी चाहता है और ना रहने का इत्तेफाक यहां से हो सकता है। बोला कि मेरे सामने अब दो परेशानी आ गई है, वो सदागर बच्चा बोल रहे हैं,
ना आपसे मैं जुदा रह सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। मुझे वहां जाना भी जरूरी है पर आपसे मैं जुदा भी नहीं हो सकता हूँ। अब जाना जरूर हुआ लेकिन आपकी जुदाई से उम्मीद जिंदगी की नजर नहीं आती, जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती आपकी जुदाई से। किसकी जुदाई से? खाजा की जुदाई की। मतलब खाजा को बहुत ही आप अपने दिल की दिल से कह रहे हैं कि मैं आपसे जुदा हो जाएंगी ताकि खाजा उसके साथ चले या खाजा खाजा जो है उसको अपने पास रख ले, ये बात पजीर होने के लिए। ये बात सुनकर खाजा बेअख्तियार ऐसा रोने लगा कि हिचकी बन गई। कभी कभी हम लोग रोते हैं हिचकी आ जाते हैं ऐसा कभी रोता है ना हाँ तो इसको कहते हैं हिचकी बन गई। अब खाजा बहुत रोने लगा, क्यों? क्योंकि अब वो बच्चा जो है घर जाना चाह रहा है। और बोला क्या ए नूरे चश्म, ऐसी जल्दी इस अपने बूढ़े खादिम से शेर हुए कैसे दिलगिर किए जाते हो? बोले ए सदागर बच्चा, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? जुदा होने के बाद में क्यों बोल रहे हो? हम जो है बूढ़े हो चुके हैं, इस खादिम को कुछ खिदमत करने दो तुम्हारा, इससे दिलगिर करके क्यों चले जाते हो? दिल लगा कर इससे क्यों तोड़ जाते हो? कसद रवाना होने का दिल से दूर किया करो। क्या बोला है? कसद रवाने होने का कसद दिल में मत रखो, यहाँ से जाओ मत, जुदा मत हो हमसे। कौन बोला है? खाजा बोला किसको? सौदागर बच्चे को। जब तिलक मेरी जिंदगी है रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे पास रहो, तुम्हारी जुदाई से एकदम मैं जीता ना रहूं। अगर तुम जुदा हो जाओगे तो शायद मैं तुमसे जुदा होकर ना रह पाऊंगा, बगैर अजल के मर जाऊंगा। बगैर अजल के मतलब कि बेमौत मर जाऊंगा, मेरा मौत नहीं होगा तब भी मर जाऊंगा। और इस मुल्क फ्रांस की आबोहवा बहुत खूब और मुआफिक है, बेहतर तो यूं है कि एक आदमी मातबर भेजकर अपने वालदेन को मां अजाब यहां बुलवा। अब क्या कर रहा है खाजा कि बेहतर यह है कि तुम एक आदमी तो भेज दो अपना मुल्क और उस मुल्क में अपने वालदेन को अपने माँ बाप को यहां बुला लो, हमारे पास बुला लो, अब एक नौकर को भेज दो। मां अजबाब, मां अजबाब कहते हैं साजो सामान के साथ जो कोई सवारी और बिरादरी दरकार हो मैं मौजूद करूं, जो भी सवारी वगैरह लगेगा गाड़ी वगैरह लगेगा मैं देने के लिए भेज रहा हूं। जब माँ बाप तुम्हारे और घर बार सब आया अपनी खुशी से कारोबार तिजारत कर क्या करियो, जब तुम्हारे माँ बाप आ जाएंगे यहां से खुशी यहाँ पे खुशी से तिजारत करो बिजनेस करो यार। मैंने भी इस उम्र में जमाने की बहुत शक्तियां खींची है। खाजा बोल रहा है कि तुम्हारी उम्र में जब था मैं भी बहुत परेशानी से दो चार हुआ हूँ और मुल्क फिरा हूँ, अब बुरा हुआ फर्जन नहीं रखता, मैं बुरा हो चुका हूँ लेकिन मेरा कोई औलाद नहीं है। फर्जन मतलब बेटा, उस खाजा का कोई बेटा बेटी नहीं था, औलाद नहीं था। मैं तुझे बेहतर अपने बेटे से जानता हूँ, मैं अपना बेटा से भी ज्यादा तुमको पहचानता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अपना वली अहद मुख्तार करता हूँ। मेरी जितनी सारी दौलत वगैरह ये सब महल वगैरह ये सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास रह जाओ, मेरा कोई औलाद नहीं है। मेरे कारखाने से भी होशियार और खबरदार हो, जब तक जीता हूँ एक टुकड़ा खाने को अपने हाथ से दो, जब मर जाऊंगा गारदाब दीजिए। गारदाब मतलब गार देना, मिट्टी दे देना, दफन कर देना। जब तक जीऊंगा तब तक दो टुकड़ा रोटी दे देना और जब मर जाऊंगा तो दफन करके मिट्टी दे देना और सब मालो मता मेरा लीजियो, मेरा जितना माल दौलत है सब मेरा ले लीजिए। उस सौदागर बच्चे को खाजा ने कहा। तब सौदागर बच्चे ने जवाब दिया कि वाकई साहिब ने ज्यादा बाप से मेरी गमखारी और खातिरदारी के मुझे माँ बाप भूल गए। सच में बहुत ही ज्यादा खातिरदारी किया था इसका खाजा ने सौदागर बच्चे का। तब उसको एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप को मैं खुद भूल गया, ऐसी मेरी खातिरदारी क्या माँ बाप की तरह उसने। लेकिन इस आसी के वालिद ने एक साल की रुख्सत दी थी। आसी कहते हैं गुनाहगार लोग को, अपने आप को गुनाहगार कहता है वो बच्चा सौदागर बच्चा कि मैं गुनाहगार हूँ कि मेरे बाप ने मुझे एक साल की रुख्सत दी थी और एक साल हो गया, अगर दिल लगाऊंगा तो वो इस पीढ़ी में रोते रोते मर जाएगा। खाजा को कह रहा है वो सौदागर बच्चा कि अगर मैं दिल लगाऊंगा यहाँ पे तो मेरा बाप जो बुरा हो चुका है वो रोते रोते मर जाएगा। असल में वो कहाँ पे है? वो कैद घर में बंद है। बस रजा मंदी बदल ली, खुश नोदी खुदा की है, और अगर वह मुझसे नाराजी होगी तो मैं डरता हूँ कि शायद दुआए बद ना करे कि दोनों जहां मैं खुदा की रहमत से महरूम हूँ। अगर मैं देर से जा पहुंचू या अगर मैं जाके ना पहुंच पाऊं तो हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझ पर दुआए बद कर दे, दुआए मतलब बद दुआ कर दे, नहीं तो मुझे इस दुनिया में भी
मेरा हाल बहुत बुरा होगा और उस दुनिया में मेरा हाल बहुत बुरा होगा। मैं खुदा की रहमत से महरूम हो जाऊंगा, खुदा की रहमत मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, खुदा की जुल्मत मेरे ऊपर पड़ जाएंगे। अब बाप की यही शफकत है कि बंदे को हुक्म कीजिए कि फरमाना है किबलागाह का बजा लावे और हक पदरी से अदा हो। पदरी आते हो हक पद्र, बाप का जो हक है उसको कहते हैं हक पद्र, पद्र मतलब बाप। ठीक है, तो क्या बोला कि आप मुझे आप इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और उसकी खिदमत कर सकूं जितना कर सकूं, और साहिब की तवज्जो का अदा शुक्र जब तक दम में दम है मेरी गर्दन पर है, अगर अपने मुल्क में भी जाऊंगा तो हरदम जान दिलो जान से याद करूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे इतने दिन से अपने घर में रखा, इतने मोहब्बत से रखा, और आपका बहुत ही अदाए शुक्रिया। और जब तक मैं जीऊंगा तब तक आपको याद करूंगा, अगर मैं यहाँ से अपने मुल्क चले भी जाऊँ तो वहां पे भी तुमको दिलो जान से याद करूंगा। कौन बोल रहा है? सौदा बच्चा बोल रहा है। इसको ख्वाजा सरपरस्त को, ख्वाजा सरपरस्त का नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि लोग क्यों उसको ख्वाजा सरपरस्त का नाम पड़ा? क्योंकि वह कुत्ता, क्योंकि वो कुत्ते को पालते थे, पूछते थे ना, यही वजह है जिसकी वजह से उसको नाम ख्वाजा सरपरस्त पड़ा। सर मतलब कुत्ता, परस मतलब पालने वाला, कुत्ता पालने वाला ख्वाजा। खुदा मजबब मजबूल अजबाब है, मजबूल अजबाब मतलब बहुत सारे सामान देने वाला है, शायद फिर कोई ऐसा सबब हो कि कदम बोसी हासिल करूँ। कि खुदा तो सब कुछ जानता है, हो सकता है कि फिर मैं मुझे आपके पास आना पड़े तो फिर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने की इजाजत दीजिए। गट सौदागर बच्चे ने ऐसी ऐसी बातें लोन मिर्ची लगाकर खजा को सुनाए को बेचारा लाचार होकर होट चाटने लगा। लून मर्जी जानते हो ना? लून मर्जी मतलब नून मर्जी, नून मर्जी लगाकर मसाला वगैरह देकर आपने ऐसी ऐसी बात सुनाया कि खजा को आप इजाजत देना ही पड़ा कि चले जाओ। ठीक है, बहुत रोते हुए हालत में उसको लेके आ गया, बहुत आप मसाला वगैरह लगाकर बात सब सुना दिया उसको कि ऐसा सब प्रॉब्लम, मुझे घर जाना ही होगा, मैं अगर यहाँ पे रहूँ तो ऐसा सब हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम उसको सुना दिए। बस इस बस का उस पर सेवता और प्रेवता हो रहा था, कहने लगा अच्छा अगर तुम नहीं रहते तो मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। यही तो बता रहा है ना कि मेरे साथ तुम चलो, खाजा चलो। अब खाजा खुद ही बोलता है कि ठीक है जब तुम जाना ही जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो मुझे साथ लेके, मैं तुमको अपनी जान के बराबर जानता हूँ और तुम मेरे जान के बराबर हो, बस जब जान चली जाए तो खाली बदन किस काम आवेगी। अगर तुम मेरा जान हो तो ये जिसम जो है ये क्या है? खाली बदन है, ये क्या करेगा? जान के साथ जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जब मैं तुमको जान जानता हूँ तो खाली बदन किस काम आवे, अगर तू इसी में राजामंद है तो चल मुझे भी ले चल, चल मुझे भी ले चल, अगर तू इसी में राजा है, इसी में अगर तुम्हारा रजामंदी है तो चलो मुझे भी ले चलो। इस्लाम के ऊपर गंडल है, अगर तू इसी में रजामंद है तो चल और मुझे भी ले चल। ये जुमला कहाँ से लिया गया है? ये जुमला दास्तान सरगुजर आगर पर बादशाह की से लिया गया है। इसका मुसल्लिम कौन है? मेरा मन दहलवी है। इसमें मुतकल्लिम कौन है? खाजा सरपरस्त, निसापुर के खाजा सरपरस्त। मुखातिब कौन है? सौदागर बच्चा है ना। यहाँ पे एक बात क्यों कहा गया? तू चल मुझे भी ले चल। जब सौदागर बच्चा दो तीन महीने रहने के बाद अपने घर वापसी होने का इरादा रखता है तो खाजा उसको जो है क्या कहते हैं बहुत ही रहने की वहां पे बहुत तलकीन करते हैं। तब जो है बहुत ही बातचीत होने के बाद जब रजामंदी हुई तो खाजा कहता है, खाजा जो है सौदागर बच्चे को कहता है कि तू चल तो मुझे भी ले चल साथ में। सौदागर बच्चे से एक अगर अपनी तैयारी सफर करने लगा और गुमास्तों को हुक्म दिया कि बारे बिरादरी की फिक्र जल्दी करो। सौदागर बच्चे जैसे ये बोला तभी जो है खाजा क्या क्या बारे बिरादरी मतलब साजो सामान वगैरह घोड़े वगैरह जो भी उस वक्त लेके जाते थे, उस वक्त तजारत करने के लिए लोग घोड़े लेके जाते थे, घोड़े वगैरह नौकर चाकर सबको ठीक करने की शुरू मतलब तैयारी शुरू हो गई। जब खाजा के चलने की खबर मशहूर हुई वहां के किसका साहिब जब खाजा के चलने की खबर मशहूर हुई वहां के सौदागरों ने सुनकर सबने तैयार सफर का किया। खाजा सरपरस्त ने गंज और जवाहिर बेशुमार नौकर और गुलाम अनगिनत तोहफे अजबाब सहाना बहुत सा साथ लेकर शहर के बाहर तंबू और खनात बिग चौबे और सरा पर्दे और कंधे लेकर खड़वा होकर उनमें दाखिल हुआ। बहुत सारी चीजों को लिया, क्या क्या लिया देखो।
अनगिनत नौकर चाकर गुलाम वगैरह लिया, इसका बेशुमार जवाहिर लिया, हीरे जवाहिरा, चमकीले पत्थर, तोहफे, गिफ्ट वगैरह का सामान, इसके बाद तंबू वगैरह, तंबू जानते हो ना, तंबू किसे कहते हैं, टांग कैसे कहते हैं, हाँ कभी कभी तंबू, तंबू मतलब तंबू एक तरह का घर होता है, अगर कहीं भी रात हो जाए तो लोग तंबू टांगकर वहां पे रात गुजारा करते थे उसके जरिए। ये तंबू चौबे सरदार वगैरह सबको ले लिया, जंग अगर कहीं पे जंगी जंग भी करना पड़े तो नौकर चाकर को साथ में ले लेते थे। जितने तिजार थे, तिजार जानते हो, तिजार तिजार किसे कहते हैं, तिजार तिजार क्या है, तिजार तो करता है सच में, लेकिन तिजार है क्या, तिजार कहते हैं ताजिर के जमा को, ताजिर मतलब क्या, तिजार करने वाला, तो ताजिर का पलुअल जमा है क्या, तिजार तिजार थे। अपने अपने बसाते मुआफिक माले सतागिरी का लेकर हमरा हुए जवाय खुद एक लश्कर हो गया, लश्कर वगैरह फौज वगैरह सब कुछ साथ में ले लिया, तिजार वगैरह भी साथ में हो गया। एक दिन जोगने को पीठ देकर वहां से कोच किया, हजारों ऊंटों पर सेलते अजबाब के और खच्चरों पर संदूक नकद जवाहिर के लाद कर 500 गुलाम दस्ते कब्जा और जंग व रूम के मसले साहिब शमसी ताजी और तुर्की की वो इराकी अरबी घोड़ों पर चढ़कर ये सारे सामान लिया, लगभग हजारों ऊंट लिए थे, ऊंट हजारों ऊंट। इसके बाद खच्चर, खच्चर जानते हो जो ये इंग्लिश में कहते हैं हम लोग भल्चर, जिससे या गधा, गधा की तरह होता है वो, है ना, वो उस पर संदूक ले जाए, संदूक जानते हो ना, बक्सा, बक्सा वगैरह जवाहिर का, सोने सोने चांदी वगैरह का, नकद जवाहिर लिया 500 गुलाब लिया, 500 आदमी साथ लिया जाने के लिए गुलाब उसका, दस्ते कब्जा, इसके बाद जंग और रूम के जितने सारे मसूर तलवार शमशेरे तेजी था, शमशेर जानते हो ना, तलवार, मतलब तलवार, जो तलवार चलाने वाला जो भी माहिर थे वह लोग को भी ले लिया साथ में, ताकि अगर रास्ते में किसी के साथ जंग करना पड़े तो जंग करेंगे। तमाम अरबी तुर्की घोड़ा वगैरह सब कुछ साथ में ले लिए। सबके पीछे खदा और सदागर बच्चा खलते पाखरा पहने सखपान पर सवारो और एक तख्त बगदादी पर कसा, उस पर कुत्ता मसंद पर सोया हुआ और उनके दोनों कैदी के कब एक सत्तर पर लटकाए हुए रवाना, और अपने साथ उस कुत्ते को भी ले लिया और वो दो पंजीरा, दो आदमी जिसमें कैद थे उसको भी साथ में ले लिया। दोनों हजारों ऊंटों के पीछे खजर सरप्रस्त और सौदागर बच्चा उसके साथ रवाना हो गए। जिस मंदिर पर पहुंचते सब सौदागर खाजा की बारगाह में आकर हाजिर होते और दस्तरखान पर खाना खाते और शराब पीते। जहां भी जिस मुल्क में जाके पहुंचते रास्ते में उस मुल्क की वापस उसको खातिरदारी करते, खाना वगैरह शराब वगैरह पिलाते। खाजा सदर बच्चा के साथ होने की खुशी में शुक्र खुदा का करता और कोचे कोच चलाया करता, और सदर बच्चा तो अपने दिल में बहुत ही खुश है कि मैं जो अपने काम के लिए आया हूँ हो रहा है सच में। बारह खैर वाफियत नजदीक है कुस्तुनिया के, आपको जब कुस्तुनिया एक जगह है वहां आके पहुंचे बाहर शहर के मकाम गया। अब मुल्क में आ गया, मुल्क के पास लगभग अंदर जाने वाला है उसके मुल्क में, तो बाहर ही वो लोग को ठहरा दिया। अब जो जाएगा तो उसके लिए कुछ आपको प्लानिंग करेगा वो बच्चा, तो उन लोगों को एक जगह ठहरा दिया। सौदागर बच्चे ने कहा, ऐ किबला अगर रुख्सत दीजिए तो मैं जाकर माँ बाप को देखू और मकान साहेब के वास्ते खाली करूँ, जब मिजाज शामी में आवे शहर में दाखिल होती है। क्या बोला है कि आप यहाँ पे ठहर जाइए, शहर के बाहर आप यहाँ पे ठहर जाइए और मैं अपने पहले अपने माँ बाप से मुलाकात करके आता हूँ, ताकि मैं खाली मकान वगैरह खाली कर सकूँ, अगर तब मैं आपको फिर बुलाने आऊंगा, फिर जाके आप जो यहाँ पे ठहर जाइएगा। अब मतलब मकान खाली करने आता है उसको कह कर रहता है, अब वो हिसाब किताब आप दूसरा करेगा जाके, ठीक है, यहाँ पर वो दरबार में आएगा डायरेक्ट इसके। अब देखो क्या क्या है, खाजा ने कहा, तुम्हारे खातिर तो मैं यहाँ आया हूँ, अच्छा जल्द मिलजुल कर मेरे पास आओ और अपने नजदीक मेरे उतरने को मकान दो। ठीक है, तुम्हारे लिए इतना आया हूँ तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे ठहर भी सकता हूँ, जाओ जल्दी से अपने माँ बाप से मिलकर आओ और मेरे लिए खाली मकान कर दो। सदर बच्चा रुख्सत होकर अपने घर में आया, सब वजीर महल के आदमी हैरान हुए कि ये मर्द कौन घुसाया। जब वजीर के घर आया, वो अपने घर में आया तो सब कोई हैरान हो गया, उसकी माँ भी हैरान हो गई कि ये मर्द कौन घुसाया, क्योंकि वो मर्द का लिबास पहना हुआ था। सौदागर बच्चा यानी बेटी वजीर की,
किसकी बेटी? हाँ वजीर की बेटी हो गया, क्योंकि यहाँ पर सदा का बच्चा का तो कोई बात ही नहीं है। अपनी माँ के पाँव पर जा गिरी और रोई और बोली कि मैं तुम्हारी जाई हूँ। जाई कहते बेटी को। अपनी माँ के पैर पर चला गया, कदमों को जुमा और क्या बोले, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सुनते ही वजीर की बेगम गालियां देने लगी गालियां देने लगी कि ए पत्नी तू बड़ी तमाम निकली, अपना मुंह तो ने काला गया और खानदान को रिश्वा दिया, बदनाम हो गया था कि भाग के चला गया। ये बदनामी, तुमने अपना मुंह काला दिया, बेइज्जती कर दिया, अपने पूरे खानदान को रिश्वा कर दिया, बदनाम कर दिया। हम तो तेरी जान को रो पीट कर सब्र करके तुझसे हाथ धो बैठे थे, जा दफा हो, हम तो ये मान लेते कि तुम मर गए हो, जाओ घर से निकल जाओ। क्योंकि इस बात को सिर्फ किसको पता था? उसके दादा को पता था। तब वही दादी ने सर से पगड़ी उतार कर फेंक दी और बोली, ए माजान, मैं बुरी जगह नहीं गई, मतलब मैं कोई खराब ऐसी जगह नहीं है कि मैं वहां गया था, कुछ बदी नहीं की, कुछ खराब भी नहीं किया। बदी मतलब अंदर ना नेकी का उल्टा बदी। तुम्हारे मामा जब फरमाने के बाबा को कहते छुड़ाने की खातिर ये सब फिक्र, जो भी मैंने काम किया अपने बाबा को छुड़ाने के लिए कहते ये सारे मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हारी दुआ की बरकत से और अल्लाह के वजह से पूरा काम करके आई हूँ कि निशापुर से उस सौदागर को बमा, बमा मतलब साथ में कुत्ते जिसके गले में वे लाल पड़े हैं अपने साथ लाई हूँ। बोले कि मैं निशापुर गई थी और निशापुर के उस सौदागर को लेके आया हूँ जिसके एक कुत्ता है, उस कुत्ते के पट्टे में लाल है और तुम्हारे अमानत में खयानत नहीं। अमानत का उल्टा खयानत, जानते हो खयानत मतलब क्या? अमानत मतलब होता है जब किसी किसी को कोई रखवाली के लिए कोई सामान को देते हैं, हम मान लेते हैं तुम्हारा मेरा एक पेन है, मैं तुमको ये देता हूँ कि तुम ये रखो कुछ दिनों के लिए, तो ये तुम्हारे लिए अमानत हो गया ना। अमानत का ख्याल करना मतलब उसकी सही से हिफाजत करना अपने पास। सफर के लिए मर्दाना लिबास क्या है? अब मैंने सफर जब किया तो मैंने मर्दाना लिबास पहना, अब एक रोज का काम बाकी है कि वह कर किबलागाह को पंडित खाने से छुड़ाती हूँ और अपने घर में आती हूँ। अब एक रोज और काम करने दो मुझे, अब मैं उसको उस खाजा को दरबार में लेके जाऊंगा, बादशाह आजाद बख्श के दरबार में लेके जाऊंगा और ये वहां पे मैं दिखाऊंगा। लेकिन हकीकत जो अभी तुम लोग सोच रहे हो ये नहीं है, ये तो बता रहा है सर, ये बता रहा है सर, ये आजाद बख्श बता रहे कहानी रो, किसको बता रहा है सर? चार फकीरों को सर, वो चार फकीरों में कहानी बता रहा है, सर में आ रहा है ऐसा नहीं है कि कहानी हमें है, ये चार फकीर जो आए थे दो कहानी सुना दिया दो बाकी था, उन दोनों को जब बोलने बोला तो वो डर गए थे, तो आजाद बख्श क्या बोला कि चलो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे दरबार में जब मैं छोटा था तब मेरे वाले साहब चले गए थे, तो एक ताजिर आया मुझे एक लाल दिया और मैं उस लाल को हर दिन दरबार में दिखा रहा था, तब जो एक वजीर ने मुझे कहा कि लाल एक ही लाल है, आप इतनी तारीफ करते हैं इसका, दूसरे मुल्कों में इतना इतना लाल है कोई तारीफ नहीं करते, तब मैंने उसको गिरफ्तार किया और उसकी बेटी ने ऐसा ऐसा किया और उस खाजा को लेके आया मेरे दरबार में। ठीक है, अब कहानी के अंदर कहानी है, ठीक है, मतलब अब मैं जो कहता यहाँ पे वो वजीर की बेटी है। अगर हुक्म हो तो फिर जाऊं और एक रोज बाहर रह खिदमत में आऊं, एक रोज और भी लगेगा मुझे, उन लोगों में लाने जाता हूं और उनको दरबार में लेके आऊंगा। माँ ने जब को मालूम किया मेरी बेटी ने मर्दों का काम किया और अपने तेरे सब तेरे सलामत में मुफिद रखा है, माँ ने उसको लाना दी थी कि तेरे बदले अगर खुदा अंधा बेटा देता तो आज बाप का रफीक होता है ना, मेरा कलेजा ठंडा होता, ये बोला था। इस ताने को उसने खत्म कर दिया, अब इस ये ताना नहीं देंगे, इसके बदले तारीफ करेंगे, अब उसको दुआ देंगे, खुदा की दरगाह में न घसने की, न घसने जानते हो, न घसने करते इबादत करना, खुदा के बारे में शुक्र अदा किया कि ऐ खुदा तूने मुझे ऐसी बेटी दी, और खुश अगर बेटी को छाती से लगा लिया और मुंह चुमा, बलाए लिए दुआए दी और सत्या के तू जा जो मुनासिब जान सोकर मेरे खाते जमा हो, और उसको दुआए दी कि जा तू जो करेगी उसमें कामयाबी मिलेगी तुमको, तुमको जो मुनासिब है वो करो, और खुशी खुशी उसको रुखसत कर देते हैं। ठीक है, वजीर आदि फिर सौदागर बच्चा बनकर ख्वाजा सरफराज के पास चली, किसके पास चली गई अभी? अब वजीर ज्यादा नहीं, अब सौदागर बच्चा कहलाएगा, है ना। वह ख्वाजा को जुदाई जुदाई उसकी आज बस्ता साफ हुई, बेतवार होकर कोच किया, एतफाक नजदीक शहर के इधर से सौदागर बच्चा जाता था और उधर से ख्वाजा आता था, ऐने राह में मुलाकात हुई। एक दिन से उसको वहां पर इंतजार कराया, ख्वाजा को इंतजार नहीं हुआ, वो रास्ता ले लिया
किसका रास्ता ले लिया? वजीर के घर की तरफ रास्ता ले लिया। ये जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात हो गई और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका इंतजार नहीं कर पाया। उसको वजीर दादी की इंतजार थी कि कब आएंगे वो। खाजा ने देखते ही कहा, बाबा मुझ बुरे को अकेला छोड़कर कहां गया था, इतना देर लगा दिया। सौदागर बच्चा बोला, आपसे इजाजत लेकर अपना घर गया था। आखिर मुलाजिमत के इश्तियाक ने वहां रहने ना दिया। बोला है कि मुझे बहुत देर हो गई वहां पे, आखिर आकर हाजिर हूं, इतने में आगे आ भी गया हूं। शहर के दरवाजे पर दरिया के किनारे एक बाग सजादार देखकर खेमा उस्ताद का क्या, और वही उतरे खाजा और सौदागर बच्चा बाहम बैठकर शराब और कबाब पीने लगे। शहर के जब शहर जिस तरह जहां पे घुसते हम लोग, किसी भी शहर में किसी भी शहर में देखते हो लिखा रहेगा वेलकम टू इस्लामपुर, वेलकम टू सिलीगुड़ी, वेलकम टू दार्जिलिंग। तो उस तरह का एक बोर्ड था, वहां पे सायदा दरख्त थे और सायदा दरख्त में थोड़ा वहां पे आराम किए और शराब वगैरह पिए हुए लोग। जब असर का वक्त हुआ, मतलब नमाज का वक्त हुआ, से तमाशे की खातिर खेमे से निकलकर संदीलियों पर बैठे इत्तेफाक ने एक कराविल बादशाही उधर निकला। उनका लश्कर और निस्त वो बर्खास्त देखकर अचंभे हो रहा और दिल में कहा, शायद इलेची को सो बादशाह का आया है, खरा तमाशा देखता था। जहां पे वो लोग आराम कर रहे थे बैठे थे, वहां पे उस इलाके में एक बादशाह था। तो वो बादशाह इतने सारे ऊंट, 500 गुलाम, इतने सारे संदूक जवाहिर, बादशाह इतना नौकर चाकर को देखकर हैरान हो जाता है कि कौन ही बादशाह आया है जो हमारे मुल्क में शायद तिजारत करने के वजह से आया है। खाजा के साथी ने उसको आगे बुलाया और पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, मैं बादशाह का मीट शिकार हूँ। साथी ने खाजा से इसका अहवाल कहा। खाजा ने गुलाम काफिर को कहा कि जाकर बाजारों से कहे कि हम मुसाफिर है, अगर जी चाहे तो आओ बैठो, कहो कल्याण हाजिर है। मीट शिकार ने नाम सौदागर का सुना, ज्यादा मुताजिब हुआ और यतीम के साथ खाजा की मस्जिद में आया। लो अज़्म और शान शौकत और सिपा गुलाम देखे, खाजा और सौदागर बच्चे को सलाम किया और मर्तबा सक्का निगाह गया। और वह बादशाह क्या क्या उसके उस बादशाह के पास गया और देखा कि इतना माल अजबाब नौकर जाकर ऊंट खच्चर वगैरह भर्ती किया हुआ है। तभी जो उसको सलाम करके उसका निगाह किसकी तरफ जाता है, सग की तरफ जाते हैं। सग मतलब कुत्ता, उस कुत्ते की तरफ उसका निगाह जाता है। खाजा ने ऐसा बैठा कर कहवे की जियाफत की। कराविल ने नामो निशान का खाजा का पूछा। जब रुख्सत मांगी, खाजा ने कई थान और कई तोहफे इसे देकर यह दी। सुबह को जब बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, दरबार से खाजा सौदागर का जिक्र करने लगा। रास्ता मुझको खबर हुई, मीर शिकार को मैंने रूबरू तल किया और सौदागर का अहवाल पूछा। अब मैं सम्राट कौन? सर ये सर वो अहवाल एक सर सौदागर अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं सम्राट बादशाह आजम पर ये कहानी जो सुना रहा बैठ कर उसको ये बोलता है कि जब उन लोगों ने वो लोग सौदागर बच्चा मेरे इस इलाके में उस बादशाह को लेके आया, तब मेरे मुझे खबर हुई कि आपके इलाके में कोई बड़ा बादशाह आया है, इतने सारे ऊंट को लेके आया, इतने सारे गुलाम को लेके आया। तब मैंने उसको बुलाया और उस सौदागर को सौदागर बच्चे को भी बुलाया, आजम बग बुलाया। समझ रहे आपको? मतलब कहानी तो सुनाया, कहानी तो सुना रहा है और बोल रहा है कि मैंने उन सौदागर बच्चा और खाजा को बुलाया अपने दरबार में और सौदागर का अहवाल पूछा और सौदागर को पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा कहां कहां का इरादा है। मैं तो तुम्हारा यहाँ पे अजब बख्त, ठीक है। उसने जो कुछ देखा था अर्ज किया, देखा था पूरा अर्ज किया। सुनने से कुत्ते के तजम्मुल के और दो आदमियों के पंजीरे में कैद होने के मुझको खपी आई। अब जो कुछ था वो कौन खाजा अपने अहवाल सुनाया और वो कुत्ता और दो आदमी जो पंजीरे में कैद है उसको खपी आई। मैंने फरमाया, वह मर्द जो ताजिरुल वाजिबुल कत्ल है, नक्सचियों की ओ हुक्म किया के जल्द जाओ, उस बेदीन का सर कट लो। जैसे आजादबाग उस दो आदमी को पंजीरे में और उस कुत्ते को इस तरह के हालात में देखता है, तो बादशाह आजादबाग हुक्म कर देता है अपने नौकरों को कि जाओ उस बेदीन का सर काट लो। बेदीन मतलब जिसका कोई दीन नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है। क्यों? एक कुत्ते को पूज रहा है और दो आदमी को ऐसे हाथ में रखा है, तो इसके बादशाह के मतलब वो बेदीन है। और क्या बोला? उसका सर काट लो। कदाकार वही इलायची फरंग कारोबार में हाजिर था मुस्कुराया, मुझे और भी ज्यादा गजब हुआ। वही इलायची फरंग का ताजिर जिसने बादशाह को कत्ल करने से मना किया था, कहा क्या था कि इसको कैद कर लीजिए, जब तक इसका बात साबित ना होगा तब तक इसको कैद में रखिए। जिसने ये बात कहा था
वही मुस्कुराया और मुताज्जुब हुआ, मुझे और भी ज्यादा गजब हुआ। ऐ बेअदब, जिसको हुक्म दिया था वो वही मुसाफिर था, वही ताजिर था, वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। जब बादशाह बोला कि इसका इसका गर्दन काट दो तो हंस रहा है। तो मैंने क्या कहा, ऐ बेअदब, बादशाह के हुजूर में बेसबब दांत खोल ले, बेसबब इतना हंसते हो, मुझे क्या है तुम्हारा, अदब से बाहर है, डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर। बेमहल हंसने से रोना बेहतर है, बेमहल जानते हो, बेकार हंसने नहीं, बेमहल मतलब महल के बाहर अगर तुम हंसते अकेले में तो कोई बात नहीं होता, तमाम दरबारियों तमाम नौकर चाकर मेरे आगे तुम इस तरह हंसते हो जब मैं तुमको ये हुक्म दिया। इसलिए बोला बेमहल हंसने से रोना बेहतर है। उसने अल्तमास किया, जा पना, कई बातें ख्याल में गुजरी, लिहाजा फिदावे मुतबस्सुम हुआ, पहले ये कि वजीर सच्चा है। और अब वो फरंग बोलता है, फरंगी क्या बोला है, तो कुछ बातें दिल में आया मेरा इसलिए मैं हंसा। बोले क्या आया, बोले पहली बात तो ये कि वजीर सच्चा है, जिसको आपने कैद कर रखा है, अब कैद खाने से रिहाई पाएगा, अब कैद खाने से वो रिहाई मिलेगा उसको। दूसरा ये कि ये बादशाह खूने नाहक से उस वजीर के बच्चे सौदागर बच्चा को दिखा देता है कि ये सौदागर बच्चा जो है ये कौन है, इस वजीर का बच्चा है। तीसरा ये कि किबला आपने बेसबब और बेतकसीर इस सौदागर को हुक्म कत्ल कर दिया, और आपने जिसको कत्ल करने का हुक्म दिया था, ये अभी जो दिखा रहे हैं जिस बादशाह जिसने कुत्ते को इस तरह रखा है और दो आदमी को पंजे में रखा है, ये भी बेकसूर है, इसको भी ऐसा करने का कसूर नहीं है इसका। इन हरकतों से मुताज्जुब आया कि बेतहकीक एक बेखौफ के कहने से आप हर कसूर को हुक्म कत्ल का कर बैठते हैं। वजीर जब सच्चा बोला था, सच बात बोले थे, उस वक्त भी आप उसको गर्दन काटने को, अभी जिसने कुत्ते को इस तरह और दो आदमी को पंजे में रखा है जिस बादशाह ने, उसको भी आप बेकसूर जो है कत्ल करने का हुक्म दिए। आपने देखा ही नहीं कि इसमें कसूर क्या है, तकसीर क्या है, खुदा ने फिल हकीकत इस खाजा का अहवाल क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस खाजा ने क्यों इस कुत्ते को और इस दो आदमी को इस तरह से रखे है, इस बात को खुदा ही जानता है इसका अहवाल। इसे हुजूर में तलब कीजिए और इसके वारदात पूछिए, इसको हुजूर में बुलाइए इस खाजा को कि इसने कुत्ते को इस तरह पूछिए क्या रखा है और इस दो आदमी को इस तरह पंजीर में क्यों कैद कर रखा है। अगर तकसीरदार ठहरे तब मुख्तार हो, जो मर्जी में आवे उससे सलूक कीजिए। क्या बोल रहा है, उससे वादा पूछिए उस खजा से, अगर वो तकसीरदार हो, तकसीरदार मतलब कसूर वाला हो, तो आप जो मर्जी में आवे उसके साथ वैसा सलूक कीजिए। अगर वो कसूर वाला है, कुत्ते को डालकर इस तरह से और दो पंजीरों में इस तरह दो आदमी इंसान को कैद करके रखकर, अगर वो किसने कोई कसूर किया है, कोई गुनाह किया है, तो आपके मर्जी में जो आवे आप उसको वैसा ही सजा दीजिए। तब जो है वो बादशाह जो है क्या करेगा, आजाद वक्त उस खजा को, नाम खजा का नाम, खजा का नाम क्या था, कौन सा खजा, जिसको जो आया था सौदागर के बच्चे के साथ, खजा सरपरस्त, इतना भला कर होगा तुम, खजा सरपरस्त को बुलाएगा आजाद वक्त अब, और उससे अपना अहवाल पूछेगा। अब अहवाल जो अहवाल पूछेगा मतलब कि तुम कौन हो, क्यों इस तरह से कुत्ते को रखे हो, क्यों जो आदमी को रखे हो। अब वो अपनी कहानी शुरू करेंगे, अब ये कहानी शुरू करते करते किताब खत्म हो जाएगी। वो जिस कहानी मतलब अब कहानी खत्म करेगा, किताब भी खत्म हो जाएगी। कौन खजा सरपरस्त के वो कुत्ते को क्यों ऐसा रखा है और वो आदमी को ऐसा क्यों रखा है, ये बोलते बोलते ही खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, इसलिए बुलाया गया बागो बहार से। बागो बहार का एक दास्तान है बादशाह की। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए।